दूल्हा हमें बना दीजिए, हमें बना दीजिए, हम खड़े हैं, अभी शादी नहीं हुई, हमें बना दीजिए, हम देश चला सकते हैं। माता पीट रहे हैं ना आपके साथ, आपके कैमरे पे ऐसे तब माता पीटेंगे, किसी के चमचे नहीं है ना किसी के अंधकते। हाँ बताइए, हक जितनी हक जान लेंगे ना ये अपने वोट का राइट जान लेंगे, उस दिन आपकी भी जरूरत पड़ेगी ना, हक बताने की ना मुझे जरूरत पड़ेगी। अभी ये लोग उठे जाग नहीं, लोगों को 5 करोड़ आसन दे रहे, अमीरों को करोड़ों रुपये माफ़ कर रहे हैं क्या? ये लोग बेवकूफ़ हैं, ये लोग सिर्फ अनपढ़ हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है इतना, अपने हक के बारे में नहीं पता। जिस दिन अपने हक के बारे में लोग जान जाएगा ना तो ये नेता पीछे पीछे होंगे और पड़ जाएंगे। दोबारा लेके आएंगे या बदलाव करेंगे? अब भी आप पूछ रहे हो जी, क्यों बताएंगे नहीं? आपके समझ में नहीं आ रही क्या समझाना चाहते हैं? टारगेट करते हैं, सिर्फ इतना पूछा है, मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे तुम बता दो, हमें थोड़ी मालूम है, पता तो आपसे पूछते हैं। नहीं आपको नहीं मालूम फिर पूछ क्यों रहे हो? इसलिए तो जानने आए आप लोगों से। क्यों जानने आए हो? अरे आप जनता है, देश के नागरिक है, आप भी तो जनता हो। उस दिन भी मैंने आपको बोला आप भी जनता हो, आज भी बता दीजिए क्या दिक्कत है? ऐसे नहीं करते हैं, कैसे करते हैं बताओ आप। हम सवाल करेंगे आज, आप हमसे सवाल करेंगे क्यों? हमने आपका कर्जा ले रखा जो आप मेरे सवाल का, हम भी ना एक आम नागरिक हैं, हम भी नागरिक हैं, जितनी स्वतंत्रता आपके पास है उतनी मेरे पास भी है, आपको कोई अलग तो कोई नागरिक ही देश का राजा, आप क्या प्रजा हो? आप भी तो राजा हो। ऐसे नहीं, ये कोई बात थोड़ी होती है, ये सब चीजें छोड़िए, आप जो सच्चाई है उसका सामना करिए बस। बताइए ना सच्चाई, क्या सच्चाई? आप नहीं जानते हो, मेरे ज्यादा आप जानते हो, आप क्या, आप पत्रकार हो, आप लाखों लोगों से मिलते हो, हम तो अपने आप से मिलते हैं, तो मेरे ज्यादा जानकारी आपके पास होनी चाहिए। मुद्दे क्या हैं आप बताओ, वही मुद्दे होंगे जो आप उठाओगे, वही मुद्दे होंगे। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा रहने वाला है क्यों? अब और कुछ बचा नहीं है इस देश में, मुद्दे से चुनाव लड़ती है कह रहे हैं लोग, कहते होंगे, आप भी कह रहे हो, हम तो नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं लोगों से, सुन के आ रहे हैं लोगों से कि बीजेपी, आप लोगों क्या सुनते हैं क्या? बस छोड़िए ना आप लोग, सिलेंडर कितने का मिल रहा है? 1050 का मिल रहा है, उसमें कहां खुश है, कुछ भी खुश नहीं है। तो किसको लाना चाहते हैं? अरे हम तो सबको लाना चाहते हैं, हमें तो रोजी रोटी चाहिए, किसी गरीब आदमी को कौन देगा? अरे मोदी जी देते हैं तो अच्छा भी करते हैं, बुरा भी हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, बुरा ये हो रहा है गरीब आदमी को रोजी रोटी नहीं है, गरीब भी खुश है, खुश होंगे जो होने वाले। देखियो मोदी देश का सबसे बढ़िया नागरिक, बढ़िया नेता, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया, कैसे हर एक चीज से बढ़िया है पूछिए आप, किसी चीज एक काम तो बताइए क्या रे बढ़िया मोदी देश से विदेश से हर जगह से मस्त है, मस्त। विदेश गए आप? हम तो नहीं गए लेकिन वो जा रहे हैं ना, हम समझो हम भी गए, वो चले गए तो आप भी चले गए। हाँ जब वहाँ अपने देश का अगर नाम रोशन हो रहा है, महंगाई से परेशान नहीं है? नहीं, पहले खाते थे अभी खा रहे, पहले भी खाते थे अभी भी खा रहे, बदलाव नहीं करेंगे, वही ठीक है। मोदी जी से खुश है? मोदी जी से खुश है बहुत ज्यादा। क्या कहेंगे भैया मोदी जी से खुश? हाँ जी मोदी जी आएंगे। क्या कहेंगे भैया? ये कह रहे हैं मोदी विदेश जा रहे, क्या ले रहे विदेश से, खर्चे तो कर रहे हैं देश के पैसों को, हमारा पैसा खर्चे तो कर रहे हैं, किस चीज का डंगा बच रहा है, किस चीज का डंगा बच रहा है बताइए ना। हाँ अरे मोदी मोदी तो देश में भी हो रहा है, आप विदेश में बताइए ना, किस चीज का डंगा बच रहा है, किस चीज का डंगा बच रहा है, क्या नाम कर दिया, पहले नहीं जानता था कोई इंडिया को, अभी नया नया आजाद हुआ है क्या देश, अभी 65 साल से कोई जानती नहीं था देश को, 14 में आजाद हुआ है देश। अरे वो तो बेवकूफ है, अब मैं कहने लगूं आज ही देश हुआ, आप मान लोगे, लोग मान लेंगे यहाँ पे, ये सब बातें। किसको चाहते हैं, कौन अच्छा देश को चलाएगा? बदलाव तो आएगा, कौन आएगा बदलाव? कोई भी आए पर बदलाव आएगा, बदलाव में कोई टक्कर में नहीं है मोदी जी। टक्कर? अरे टक्कर तो हम तुम लोगों ने बना रखी है, ये हवा बना रखा, कुछ टक्कर नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने ऑडियंस देखा, जाता है यहाँ पे मोदी जी को ही चाहने वाले, ज्यादातर मैंने यहाँ पे देखा बेचारे जो गरीब तबके के आदमी है ना, जिन्हें कुछ आता पता नहीं, जिन्हें नॉलेज नहीं है चीजों का, इनसे पूछो किसी से 200 करोड़ रुपए 2016 में रामदेव को मोदी जी की सरकार ने सब्सिडी दी थी, इन्हें 2-2 रुपए दिए क्या कैश में, जो आज तक उन्हें रामदेव ने वापस दिए, कौन सा गरीब आदमी रामदेव, बिजनेसमैन आदमी, 1000 करोड़ रुपए की कंपनी है उसकी, पूछो किसी से, किसी को दिया हो लोन इस 9-10 साल की सरकार में, किसी को लोन दिया, लोन देकर उसका माफ करा किसी गरीब आदमी का, आप ये बताइए, पूछे इतने सारे खड़े हैं आप, इन्हीं की बात करें, इन्हीं से पूछे ना, एक गरीबी को सरकार, इनसे पूछे ना किसका लोन माफ करा है, अरे मेरी बात सुनो, जो बिजनेसमैन लोग है 11,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया, कोई एक बार बताइए मुझे यहाँ पर खड़ा किसका माफ हुआ है, किसको दिया था 2-4 लाख रुपए उसका माफ करे, चल भाई अब तेरे से हम नहीं लेंगे, बताओ किसका माफ करा है, इस पर गरीबों को 5 करोड़ आसन दे रहे, अमीरों को करोड़ों रुपए माफ कर रहे हैं क्या? ये लोग बेवकूफ है, ये लोग सिर्फ अनपढ़ है, इन्हें कुछ पता नहीं है इतना, अपने हक के बारे में नहीं पता, जिस दिन अपने हक के बारे में लोग जान जाएगा ना तो ये नेता पीछे पीछे होंगे और पड़ जाए आगे आगे। हाँ बताइए,
हक, जिस दिन ये हक जान लेंगे ना, ये अपने वोट का राइट जान लेंगे, उस दिन आपकी भी जरूरत पड़ेगी ना हक बताने की, ना मुझे जरूरत पड़ेगी। अभी ये लोग उठे जाग नहीं रहे हैं, ये बोल रहे हैं जी जगह ने, अबे इतने लोग जगा रहे, ईमानदार नेता नहीं, कौन सी पार्टी में बेईमान नेता है बताओ? सबसे ज्यादा बीजेपी में, सबसे ज्यादा बीजेपी में राष्ट्रवादी दंगावादी पार्टी है बीजेपी। हर बार अभी नहीं, हर बार चुनाव आने के टाइम पे दंगा ही होगा, हुआ है और अभी हुआ है हरियाणा में। कौन लोग थे? अरे हाँ, इतने बड़े दंगे हुए हैं, नहीं लोगों ने सरकार बनाई थी, हिंदू खतरे में है, सुनो मेरी बात आप। मैं क्या किया था? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। हाँ वो किसने किया था बताओ? आप बताओ किसने किया था? ये आप कह रहे कांग्रेस ने किया था, फैक्ट नहीं पता आपको? नहीं, कौन से सरकार ने करा? नेता तो सब में भरे हुए हैं, बेईमान भी अच्छे भी, बताओ कौन सी पार्टी में बेईमान नेता नहीं है? आप सपा को लियाओ, बसपा को लियाओ, बसपा इतनी अच्छी पार्टी है, इतना बढ़िया शासन रहा बसपा का, गुंडा राज उसमें खत्म था, उसमें गरीब लोगों की सुनी जाती थी, इसमें कौन सुन रहा है? चाहे सपा या ये कांग्रेस हो या ये हो, गरीब खुश है? इतने सारे लोग बड़े खड़े हैं, बताओ ना किसे पूछो गरीब खुश है? किसी को 2-4 लाख रुपए दिए यहाँ? अरे सुनो, 1120 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, गरीब खुश है? 300 रुपए सिलेंडर 1120 रुपए में आ रहा है, गरीब खुश है? अरे नहीं, कड़वा तेल 150 रुपए बिक रहा, गरीब खुश है? कोई बताए यहाँ आटा कितना महंगा हो, 30 रुपए किलो आटा बिक रहा, कोई बताए यहाँ? मैं कोई भी एक जवाब दे दे मेरी इस बात का, गरीब खुश है? आपके कहने से गरीब थोड़ी खुश हो जाएगा? 150 रुपए 80-85 बिकने वाला था, 150 रुपए हो गया, 300 वाला सिलेंडर 1120 रुपए का हो गया, आप कह रहे गरीब खुश है? किस चीज के लिए खुश है? 2000 का हो जाता अगर कांग्रेस आ जाती तो। अच्छा, 65-70 साल में? अरे मेरी पहले आप उसने पूछा, मेरी अब मेरा जवाब सुनिए, 65-70 साल में 300-400 का बिक रहा था, अभी 2-4 साल में साला 2000 का हो जाता, कैसे हो जाता? वो सस्ता भी था ना, क्या सस्ता था? हाँ तो यही तो बता, अरे इसलिए जनता खुश है जो तुम कह रहे हो, और गैस सिलेंडर 2000 का हो गया, तब कहाँ जाके माथा पीटेंगे? जैसे अभी माथा पीट रहे ना आपके साथ, आपके कैमरे पे ऐसे तब माथा पीटेंगे, किसी के चमचे नहीं है ना किसी के अंधकते, किसके 2014 से पहले हमने आज तक ना कांग्रेस वोट दी ना बीजेपी वोट दी, हम सपा वाले हैं बसपा वाले हैं, हम ही लोगों को वोट देते, हम इन्हें वोट नहीं देते, हम देते नहीं वोट बसपा। हाथी ना बनवाती ना बहुत गरीबों का भला हो जाता। हाथी, अरे कौन नहीं करता अपनी सरकार माने के बाद, कौन नहीं करता अपनी सरकार के लिए? नहीं पता, ईमानदार है, सबसे ईमानदार पार्टी बसपा की है, सारी भर्तियां सारी वैकेंसी पूरी हुई है उनकी, हाथ छोड़ के क्यों नहीं बनवाया? ये जो अभी मेट्रो इसके सब चल रहे हैं, ये सपा बसपा की देन है, इन्होंने तो पूरा कराया ये सब, ये तो आके फीते काट रहे हैं इनके 10 साल से, बताओ कौन सा नया, बता दीजिए नया यूनिवर्सिटी, अरे ये भी बता, नया हॉस्पिटल बनाया है मुझे आप बताइए ना। सुनिए, अरे 5G किसने लाया? क्या अखिलेश यादव ने? क्या 5G बोलिए ना, 5G सरकारें लाती है पर फ्री है, काम गिनवा, ये रोड फ्री है, हम भी तो आपको काम गिनवा रहे हैं, कहने को तो आप रोड है, रोड पर चलने का टैक्स कौन दे रहा है? जनता दे रही है ना। क्या पहले नहीं देते थे? कौन सा पहले टैक्स? अभी जो लोग तुम कह रहे हो ये, अरे आज दे रहे हैं तो पहले भी तो देते, पहले इतना महंगा टैक्स था, इतना महंगा टैक्स था, इतना लग रहा है, इतना देते जो 50 वाली मैचेस वो भी 2 रुपए की आने लगी, देते थे कि नहीं? नहीं देते थे, इतना टैक्स लग रहा था, लिमिट होती है 18% 12% साला, तुम्हें 24% करा दिया, 30% करा दिया। क्या काम करते हैं ये? कितनी सैलरी है? 20,000 रुपए सैलरी। हाँ कितने दिनों से काम कर रहे? मुझे तो कम से कम 3 साल होगी, 3 साल होगी। 3 से स्टार्टिंग कितने से किया? स्टार्टिंग कितने से किया था? 18,000 से किया था। बदलाव हुआ है ना? कितना बदलाव हुआ है? कुछ भी बदलाव हुआ? कितना बदलाव हुआ? इतने बदलाव सालों में कितना होता है? इतने बदलाव से क्या हो जाएगा? 3 साल में 3,000 रुपए क्या हो जाएगा? नहीं 8-10% कम, आप सैलरी आपकी बढ़ जाए, महंगाई नहीं, नहीं अरे नहीं सुनो आपकी सैलरी बढ़ जाए, महंगाई नहीं, आप मेरी 18×36,36,000 रुपए सैलरी करा दीजिए, जैसे मोदी जी ने करा दिया 3×4×4 महंगाई कर दी, उस हिसाब से सैलरी कराएगा ना ये? आप 20% बढ़वा दीजिए, ये 7-8% बढ़ता है कंपनी का, ये महंगाई कवर कर लेगी जितनी आप जितनी तेजी से 3×4×4 महंगाई। तो जनता ये क्यों नहीं सोच रही है कि भाई सैलरी बढ़ जाए लेकिन महंगाई ना बढ़े? कहाँ सोच रही है, किसकी बढ़ गई? आपने तो अभी कहा महंगाई बढ़ गई है सिलेंडर के बारे में। हाँ नहीं, आप मुझे बताइए 300 रुपए का सिलेंडर 1120 का आ रहा है, कितनी स्पीड से महंगाई बढ़ी है, कितने गुना मार्जिन? भाई टाइम तो अभी हो गया, आप अरे 10 साल पुरानी बात को लेकर चलोगे? नहीं 3 साल में 3,000 उस दिन की बात कर रहे हो आप, जिस दिन में सही से एंड्रॉइड नहीं चलता था। क्यों नहीं चलता था एंड्रॉइड? हम तो उस टाइम पे सोनी जैक्सन का फोन चलाते थे। आप ये कह रहा हूँ चल रहा था सही से नहीं चल, मैं 2012 से फोन यूज कर रहा हूँ, बदलाव हो रहा है ना, क्यों बातें कराई होगी ना? 4G का फोर कंपनियां 4G के पैसे ले रही है, सुनो कंपनियां 4G के पैसे ले रही है, 5G की टेस्टिंग कर रही, चलता साला 2G नहीं है, बाथरूम में जाकर बैठ जाओ 2G नहीं चलेगा, मैं जो अरे तो आपका 4G लेकर आए, अरे 4G फोन खराब है, इतने बंदे भी झूठ बोल रहे, ये आपको भी पता है मुझे भी पता है, सिर्फ आप बातें मिलाने के लिए यार, काय के बातें मिलाने के लिए, सबको पता है ये क्या स्पीड चल रही है। एक देश में कोई भी सरकार आई हो जो भी आई है, काम सभी ने किया, किसी ने कम किसी ने ज्यादा, ये बात बिल्कुल मानता हूँ, किसी ने कम किया किसी ने ज्यादा किया, लेकिन धर्म की राजनीति सिर्फ बीजेपी ने की है, कांग्रेस दूध की है। हाँ दूध की धुली है, ऐसे इतना दंगा फसाद जो आज पड़ोसी से पड़ोसी के मन में इतना जहर भर दिया इन लोगों ने, ये आपसे पहले कभी नहीं था,
अब से पहले कभी नहीं था, मैं भी स्कूल कॉलेज में गया हूँ, लेकिन जितना आजकल कंपनी तक में फैल गया ना स्कूल कॉलेज तो दूर की बात है, कंपनी तक में इतना कास्टिज्म इतना धर्म का राजनीति फैल गया बहुत ज़्यादा। ये नेता लोग आते हैं डिबेट में बैठते हैं 5,000 रुपये लेकर प्रवक्ता बन गए पार्टी के, ये लोग इतना गंद मचा रहे हैं, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता, समाजवादी के नहीं आते सब आते। अगर दूध के दूल्हे तो क्यों आते? नाम मैंने कांग्रेस के आते क्यों? मैंने किसी पार्टी का नाम लिया क्या? आपने जो कहा अभी दंगा फसाद वाला मामला और हिंदू मुस्लिम वाला, उसमें कांग्रेस का और सपा का प्रवक्ता नहीं होता क्या? नहीं प्रवक्ता होता, दूध का दूल्हा तो आया नहीं, भड़काऊ बातें कौन आता क्यों है? सबसे ज्यादा भड़काऊ बातें कौन करता है? कोई भी करता आता ही क्यों? सुधांशु त्रिवेदी हो गया, अभी ये थी दिल्ली की, अभी इस पर उसे बता दिया फ्रीज एलिमेंट है, ये कोई हरियाणा का था उसे भी यादव जी, उसे भी फ्रीज एलिमेंट, कोई बड़ा भाषण दे देगा, भड़काऊ भाषण दे देगा, सुनिए सुनिए फ्रीज एलिमेंट है। अगर बीजेपी खराब है तो कोई ऐसा नेता बताइए या कोई ऐसी पार्टी बताइए जो दूध की दूली है। दूध की दूली? बीजेपी दूध की दूली पार्टी जो? मैं क्या बोला अभी आपको कि बीजेपी अगर खराब है तो कोई ऐसी पार्टी बताइए या नेता बताइए दूसरी पार्टी का जो दूध का 2014 में उन्होंने मुद्दा उठाया था स्पेक्ट्रम का, बताओ किसको सजा हुई है कांग्रेस में, कौन से नेता को सजा हुई है मुझे आप बता दीजिए। 2014 के बाद में पूरा एकदम ध्रुवीकरण कर दिया उन्होंने, राजनीति इतनी बेकार राजनीति कर दी कि साला मैं तो चाहता हूँ कि पढ़े लिखे लोग जाए ना, ठीक है ऊपर खा रहे हैं धर्म के ऊपर खा रहे, काम के ऊपर नहीं खा रहे, काम के ऊपर बताए ना कांग्रेस दूल्हा हमें बना दीजिए, हम खड़े हैं अभी शादी नहीं हुई हमें बना दीजिए, हम देश चला सकते हैं। हाँ आप कोई प्रधानमंत्री बनना? हाँ क्यों नहीं बनना, क्यों नहीं बन सकते हम? नहीं बन सकता, किसका हक नहीं है बताओ? आप भी आलू सोना करिए, राहुल गांधी के पद को पकड़ लीजिए। आलू सोना? भाई सोना बनता है, एक आधे आलू 5 रुपए में बिकता है और जो आप उसे पैकिंग करके बेचोगे बना के, आधा आलू कितनी कीमत है? सोना ही बन गया, वो 5 रुपए का बिक रहा है, यानी राहुल गांधी सही चिप्स। हाँ आलू टू सोना सही कहते हैं, सही कहते हैं, ठीक है भैया।